नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं माय टेक्निकल पेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आपका भी एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो गया है, एडमोब अकाउंट सस्पेंड हो गया है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ है। दोस्तों जब भी आपका अकाउंट सस्पेंड होता है तो आपको एक गूगल की तरफ से मैसेज आता है, गूगल एडसेंस की तरफ से मैसेज आता है कि आपका अकाउंट जो है कि इनवैलिड एक्टिविटी या इनवैलिड क्लिक की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। तो दोस्तों मैं यहाँ पे दोनों ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ कि इनवैलिड एक्टिविटी क्या होता है और इनवैलिड क्लिक क्या होता है। तो आप मेरे इस वीडियो को लेकर शुरू से लास्ट तक देखिए, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो रीजन होता है, इनवैलिड एक्टिविटी और इनवैलिड क्लिक। तो दोस्तों मैं अलग अलग बात करूंगा कि इनवैलिड क्लिक क्या होता है और इनवैलिड एक्टिविटी क्या होता है और कैसे काम करता है कि इनवैलिड क्लिक क्या है और इनवैलिड एक्टिविटी क्या है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इनवैलिड एक्टिविटी की। इनवैलिड एक्टिविटी होता क्या है? इनवैलिड एक्टिविटी, जैसे आपने एक एप्लीकेशन बनाई, आपने उसको प्ले स्टोर पे डाला या गूगल ड्राइव से कहीं पे डाल के आप उसको प्रमोट किए, लोग उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज कर रहे हैं, आपकी इनकम भी हो रही है और वहाँ पे क्लिक भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी की हम बात करें तो इनवैलिड एक्टिविटी क्या होता है, जैसे पेज अपने एप्लीकेशन बनाई, वहाँ पे अपने पेज लगाया, ठीक है, पेज लगाने के बाद दोस्तों वहाँ पे आपने बहुत सारे ऐड लगाए। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कि वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऐड लगाते हैं, बैनर ऐड लगाते हैं, तो ऊपर नीचे बैनर ऐड लगाते हैं, उससे तो इनवैलिड एक्टिविटी होनी नहीं है, तो वहाँ पे दो ही बैनर ऐड लगे। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल ऐड जो है कि सबसे ज़्यादा इनवैलिड एक्टिविटी करती है। जैसे आपने 5 इंडस्ट्रियल ऐड लगाए, तो वहाँ पे 5 इंडस्ट्रियल ऐड जैसे ही आप पेज पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, तो आपका पेज लोड होता है, उसके बाद आपका जो कि एड्स लोड होते हैं, तो ऐड लोड होते हैं तो एक ही तरह के ऐड जो कि आपको 5 बार लोड हो रहा है। जैसे आप फ्लिपकार्ट का कोई ऐड है तो वह ऐड जो है कि 5 बार ऐड एक ही ऐड बार बार आपको आ रहा है, तो वहाँ पे वो इनवैलिड एक्टिविटी होती है कि एक पेज में 5 ऐड एक ही बार आ रही है, तो उस डिवाइस पे वो ऐड इनवैलिड एक्टिविटी में काउंट होता है, क्योंकि एक ऐड एक बार दिखा रहा है तो एक ही ऐड 5 बार दिखाने की उसको जरूरत नहीं है, इसलिए वहाँ पे इनवैलिड एक्टिविटी हो जाती है। और इनवैलिड क्लिक भी सेम ही होता है दोस्तों। इनवैलिड क्लिक होता क्या है, जैसे आपने पेज लोड किया, ऐड भी लोड हो गए, ठीक है, अब आपने एक ही ऐड को एक बार क्लिक किया, जैसे फ्लिपकार्ट का जो ऐड लोड हुआ उस पर आपने एक बार क्लिक किया तो क्लिक में गिना जाएगा, लेकिन आपने दूसरी बार भी फ्लिपकार्ट वाले ऐड पे क्लिक करते तो वो एक क्लिक जो हुआ वो इनवैलिड क्लिक होता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे जो इनवैलिड क्लिक होता है इसी तरह से काउंट होता है, आप एक ही तरह के ऐड में बार बार क्लिक करते हैं और एक ही डिवाइस पे आपकी बार बार क्लिकिंग आती है। जैसे आप जो कि एक डिवाइस यूज करते हैं तो हमें एक एंड्रॉयड आईपी बनती है जिससे गूगल आपको ट्रैक करता है कि आप किस ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं अपने मोबाइल में उस ऐप पे, तो ठीक है, तो वहाँ से आपको गूगल ट्रैक करता है और वहाँ से देखता है कि एक ही आईपी एड्रेस सॉरी एंड्रॉयड आईडी से जो है कि आपको बार बार क्लिक आ रहा है और एक ही तरह के ऐड पे आपको बार बार क्लिकिंग हो रही है। तो दोस्तों यह था इनवैलिड एक्टिविटी और इनवैलिड क्लिक। दोस्तों अगर आप इसको सही तरह से यूज कैसे करें, तो यहाँ पे दोस्तों आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पेज पे जो है कि 1, 2, 3 ऐड से ज़्यादा ना लगाएं और आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आप बैनर ऐड लगाएं, क्योंकि बैनर ऐड पे इनवैलिड एक्टिविटी होती नहीं है और इनवैलिड क्लिक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बैनर ऐड पे जो है कि अलग अलग तरह के ऐड लोड होते हैं ज़्यादातर दोस्तों। तो ठीक है, आप एक पेज पे 2 ऐड लगाएं और उस तरह से अपने एप्लीकेशन को जो है कि अपने प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, वहाँ पे आपके अकाउंट जो है कि सस्पेंड नहीं होंगे। तो दोस्तों यह रीजन था आपका इनवैलिड गूगल अकाउंट सस्पेंड होने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।